मैं कॉल करते हुए बात करते नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम उपस्थित हैं नरेंद्रपुर गांव में और यहां पे हमारे साथ मुनीन सर हैं जो साइंस क्लासेस के डायरेक्टर हैं और यहां पे आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आप कैमरा में देख सकते हैं कि यहां पे छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं जो बड़े ही प्रेम से बड़े ही उल्लास के साथ शिक्षक दिवस मना रहे हैं। मतलब अपने सर को एक श्रद्धापूर्वक एक यहाँ पे ये लोग सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे मुनीन सर से और जानेंगे कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। सर, सबसे पहले आपको स्वागत करना चाहेंगे। सर धन्यवाद। मैं मुनीन कुमार गुप्ता 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना देता हूँ और आज एक महान युवती सब पली राधा कृष्ण के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज शिक्षक दिवस को भलीभांति मनाया जाता है। यह एक छात्र और शिक्षक के बीच विशेष संबंधों की बातों को पूरा करता है, जिसके अंतर्गत बच्चों के जीवन में एक नई उल्लास श्रद्धा और आगे बढ़ने की जिज्ञासा को ये हमेशा क्रियाशील रखता है और शिक्षक दिवस इन दोनों के बीच एक संबंधों को मजबूत बनाता है। धन्यवाद। जो देश के प्रथम शिक्षक के गरिमा के लिए, शिक्षक के मान सम्मान के लिए उन्होंने पूरे देश के शिक्षकों के लिए अपना जन्मदिन समर्पित करने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज जिन्होंने एक छोटे से शिक्षक से देश के उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित करने का काम किया, तो शिक्षक एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा बहुत से लोग अपने पथ को, अपने मार्ग पर उनके आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराते हैं। जो शिक्षक के सम्मान मान सम्मान जो देते चले आ रहे हैं उनका भविष्य उज्ज्वल होता है और वो आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तरक्की होती है। दूसरे राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा बोला गया कि मेरा जयंती सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। आज उस महान व्यक्ति के धनी शिक्षा के पुरोधा और शिक्षकवृंद सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम लोग तहे दिल से अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपना जयंती एक शिक्षक के लिए समर्पित किया। आज शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता तो एक शिक्षक और छात्र के बीच जो प्रेम, जो स्नेह है, जो शिक्षा का एक सेतु है, वह संभव नहीं हो पाता। मेरा नाम अभिषेक और गुड्डू जी।